भाई अब हमारे पास आ जाता है पोस्ट वर्सेस पेजेस। अब पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क है और SEO पर इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं भाई पोस्ट की तरफ। पोस्ट जो है टाइमली कंटेंट होता है और पेज जो होता है वो टाइमली कंटेंट नहीं होता है। तो जैसे कि आप फेसबुक पर कोई पोस्ट करते हैं तो जब भी टाइम गुजर जाता है तो वो पोस्ट नीचे चली जाती है, मतलब कि वो टाइमली कंटेंट है। और पेज जो है वो टाइमली कंटेंट नहीं है। पेज मतलब कि एक पेज ही है, जैसे कि कॉन्टेक्ट का पेज, डिस्क्लेमर का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज या आपका कोई फेसबुक पर पेज है तो पेज वो ही रहता है और पोस्ट जो है वो टाइमली कंटेंट होती है। अब मैं वर्डप्रेस में क्या है कि पोस्ट की कैटेगरी होती है और पेज की कैटेगरी नहीं होती है, और पोस्ट जो है स्टैटिक नहीं होती है और पेज जो है स्टैटिक होती है। अब कैसे कि पेज आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं वर्डप्रेस पर, पोस्ट आप थीम की जो डिज़ाइन होगी उसी हिसाब से आपकी पोस्ट डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाएगी, और पेज ऐसे नहीं है कि पेज आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये थे कुछ डिफरेंस, और भी कुछ प्रोस कॉन्स हो सकते हैं इनके आपस में, मगर फिलहाल तो ये बेसिक मैंने आपको बताया कुछ। तो SEO के हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए पोस्ट ही बेहतर रहेंगी, क्योंकि पोस्ट टाइमली कंटेंट होती हैं। और SEO के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि SEO के लिए पोस्ट काफ़ी बेहतर है रैंकिंग के हवाले से। पेज इट मेरे के मैं पेज रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पेज पर अपनी जो भी आर्टिकल्स वगैरह पेजेस पर लिखें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पोस्ट के ऊपर ही अपना आर्टिकल्स वगैरह लिखें वर्डप्रेस के ऊपर। अब हम आ चुके हैं पोस्ट की तरफ, तो अभी हम पोस्ट और पेजेस को दोनों एक साथ ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड न्यू, तो ऐड न्यू से करने से पहले यहाँ से जो कुछ फीचर्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है आल, आल में आपकी पब्लिश्ड और जो ट्रेस्ट जो भी ड्राफ्ट में पड़ी हैं तो सब पोस्ट आपको दिखाई देंगी। अगर आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो वो पब्लिश पर वही आएंगे जो अभी एक्टिव पोस्ट हैं वेबसाइट पर, और बिन में वो जो आपने ट्रेस कर दिए, डिलीट कर दिए, वो आपको यहाँ पर बिन में शो कर देंगे। तो चलिए हम अब ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। तो ऐड न्यू के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो आप साइड में देख रहे हैं कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी पोस्ट लिख लेते हैं ताकि हमें ये फीचर्स चलाने में आसानी हो। तो ये तो बेसिक फीचर्स हैं, पैराग्राफ, हेडिंग लिस्ट, ये तो आप खुद भी कर जाएंगे, और ये अलाइन टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट को राइट पर करना चाह रहे हैं, लेफ्ट पर, सेंटर पर, बोल्ड, इटालिक, ये तो बेसिक से फीचर्स हैं। तो हम चलते हैं साइड पर पोस्ट, जो ज़्यादा काम वाले फीचर्स हैं वो हम ज़्यादा मैं आपको वो ही डिस्कस करवाऊँगा, क्योंकि अगर के दूसरे फजूल में आपको इसके ज़्यादा काम ना आने वाले फीचर्स में आपको डिस्कस कराऊँगा तो जो वीडियो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस एंड विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी पब्लिक लगी हुई है अभी, तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं इस पोस्ट को। जिसको भी पासवर्ड पता होगा सिर्फ वो ही एक्सेस कर पाएगा इस पोस्ट को। यहाँ पर परमालिंक्स, ये हमारी पोस्ट की URL होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और नीचे है कैटेगरी, यहाँ से आप अपनी न्यू कैटेगरीज भी बना सकते हैं, जैसे प्ले स्टोर में होती हैं टूल्स की, वीडियोज, गेमिंग वगैरह, या ब्यूटी एंड फैशन के एप्स अलग होते हैं, टूल्स अलग होते हैं, तो ये आप अपनी वेबसाइट पर कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे ब्लॉगिंग की कैटेगरी अलग, ट्रिक्स की कैटेगरी अलग, तो ऐसे आप बना सकते हैं यहाँ सब यहाँ पर ऐड करके। सिर्फ क्या करना है आपको, यहाँ पर ट्रिक्स ऐड न्यू कैटेगरी, तो ये आपकी न्यू कैटेगरी बन जाएगी। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट के टैग्स लगा सकते हैं, जैसे मेरी पोस्ट का टाइटल है व्हाट इज़ गारमेंट, तो मैं व्हाट इज़ गारमेंट का एक टैग लगाऊंगा और गारमेंट का भी एक टैग लगाऊंगा, ठीक है। और नीचे आ जाता है फीचर्ड इमेज, तो यहाँ से आप जैसे YouTube की वीडियोस का थंबनेल होता है, यहाँ से आप अपनी पोस्ट का थंबनेल लगा सकते हैं। तो सेट फीचर्ड इमेज,
तो यहाँ से मैं एक उठा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसका थंबनेल सेट कर लिया। नीचे लिखा हुआ है अलाउ कमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से आप कमेंट्स को अलाउ एंड डिसअलाउ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ब्लॉग्स में। तो ब्लॉग्स में ये इसकी जो फॉन्ट है, इनके आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं और इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो सारा इस ब्लॉग्स में ये आ जाता है। अब आ जाते हैं ये जो ऊपर हैं, ऊपर जो कुछ फीचर्स हैं काम वाले, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फीचर काम वाला ये है कि अगर आपसे ये इतना डिलीट हो जाता है, तो अब आप बोल रहे हैं कि भाई हम इसको वापस कैसे लाएं। तो एक ऑप्शन तो ये कंट्रोल जेड करें कीबोर्ड से, या तो आप इसको अंडू पर क्लिक करें तो ये आपका टेक्स्ट वापसी आ जाएगा। और यहाँ से आप प्लस पर क्लिक करके न्यू ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं सारे ब्लॉक्स हैं, यहाँ से आप अपना कोई भी काम वाला, जैसे एग्जांपल मैं ये उठा लेता हूँ बटन, तो हमारे पास बटन आ गया। बटन ऐड करने से पहले हमें इस पर टाइटल लगाना होगा। चलो रीड मोर, तो रीड मोर इस बटन पर मैं किसी और लिंक्स को भी कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये आर्टिस्ट गारमेंट, तो इस लिंक को मैंने कॉपी किया और इस पर क्लिक किया और इसके साथ इस लिंक को अटैच कर लिया और मैंने कहा कि भाई ओपन न्यू टैब, न्यू टैब में ओपन होनी चाहिए ये पोस्ट। तो हम करेंगे इसको यहाँ से पब्लिश। तो अब देखेंगे कि ये पोस्ट हमारी वर्क करती है या नहीं। अभी थीम ये हमारे पास कोई अच्छा नहीं है और ये व्यू भी सही नहीं दे रहा, तो फिलहाल हम काम ही चलाएंगे इससे। तो आगे चलकर हम इसको चेंज करेंगे। तो रीड मोर पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं आप, जो मैंने लिंक कॉपी की थी वो उस लिंक पर चला गया। तो और भी ब्लॉग्स हैं यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत काफ़ी काम के जो है ब्लॉग्स पड़े हुए हैं। तो अब चलते हैं हम पेज की तरफ। बाकी जो फीचर्स है वो आपने खुद ने ट्राई करने हैं, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी हैं। अगर फिर भी कोई मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए कि भाई ये चीज़ कैसे होगी। तो पोस्ट में कुछ यहाँ से दूसरे भी ऑप्शन से ऐड न्यू करेंगे तो सेम आपकी ऐड न्यू पोस्ट हो जाएगी। कैटेगरीज मैंने आपको बताया, यहाँ से आप कैटेगरीज अपनी ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं इस कैटेगरी के सेक्शन से। और यहाँ पर टैग्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि भाई आपने अपनी पोस्ट के टैग्स कैसे लगाने, और अगर आप टैग्स में चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पेजेस की तरफ। तो पेज पर वही सेम इंटरफेस, तो लिखा हुआ है कि भाई ऑल माइन पब्लिश्ड ड्राफ्ट बिन। तो अब हम इसको ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं ऐड टाइटल कर सकते हैं, व्हाट इज गारमेंट, चलो सेम ही कर लेते हैं हम। और यहाँ पर हमारे पास अभी कुछ नहीं है फिलहाल, तो कुछ भी जस्ट मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पेज पर भी आपको मैंने जो पोस्ट में चीज़ समझाई थी वो सेम यहाँ पर भी हैं। तो ज़्यादा से मतलब के अलग चीज़ें नहीं है, सेम चीज़ें तकरीबन। तो हम इनको बस दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो पोस्ट वाली चीज़ें डिस्कस की थी सेम इसमें भी यही चीज़ें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।